यस सरकार। सो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन नंबर 49। सर तीन लेजर कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सरकार ये होते क्या है? सुनो ध्यान से सर। सर जितना भी आपको टैक्स पे करना होता है वो आपकी लायबिलिटी में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। सर जो टैक्स पे करेंगे तो ITC जो अवेलेबल होगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, और सर जो आपको बैलेंस कैश पे करना होगा वो आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कैसे करते हैं उसका मैकेनिज्म, पहली बात तो ये सर ऑफलाइन अलाउड नहीं है सर। पर NEFT या RTGS करते हो तो यस कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कैश पेमेंट करते हो बैंक जाके ऑथराइज बैंक या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करते हो तो मैक्सिमम 10,000 पर टैक्स पीरियड पर असेसी मैक्सिमम अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है कैश पेमेंट। पर हाँ अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करते हो या नेट बैंकिंग के थ्रू पे करते हो तो पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में सर फिजिकल, आप जो ऑफलाइन पेमेंट की बात आती है वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में ऑफलाइन पेमेंट ही होता है, वहाँ पे ऑनलाइन की सिस्टम की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑफलाइन पे करने की कोई लिमिट नहीं है, जैसे नॉर्मली 10,000 की होती उसमें वहाँ नहीं है। सेकंड, अगर गवर्नमेंट कभी रिकवरी करने आया है आपसे तो रिकवरी करते वक्त जैसा आ जाए वैसे बढ़िया है साहब, ऑफलाइन तो ऑफलाइन आने दो, जो आ रहा है आने दो, क्लियर। प्लस अगर कभी भी आपके एसेट्स बेच के पैसा रिकवरी होता है तो ऑब्वियसली बात है जिस मोड से पेमेंट आ रहा है आने दो, इनकमिंग फ्री, क्लियर। रिकवरी के केस में ऑफलाइन जो 10,000 की लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के 10,000 की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ओके, सेकंड बात, क्या जो पेमेंट करने का चालान होता है वो मैनुअल होता है? नहीं सर, सारा इलेक्ट्रॉनिक है। आपको अपने कॉमन पोर्टल पर जाके GST पोर्टल पर जाके लॉगिन करना पड़ेगा, वहां चालान जनरेट करना पड़ेगा। चालान जनरेट करोगे और उसमें सर अलग अलग हेड मिलेंगे आपको, मेजर हेड, माइनर हेड। मेजर हेड कौन से होते हैं? CGST, SGST, IGST, UTGST। अगर SGST है या UTGST है, यूनियन टेरिटरी तो UTGST, स्टेट गवर्नमेंट तो SGST। ओके, CGST मेजर हेड कौन कौन से सर? CGST, SGST, IGST एंड GST कॉम्पनसेशन सेस। ओके सरकार, ये मेजर हेड है। अब इसमें माइनर हेड होंगे आपके, कौन माइनर हेड भी होंगे? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर ड्यूज पेबल। ओके सर, जब आप रिचार्ज कराएंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब अमाउंट डिपॉजिट करेंगे क्या करेंगे? आपको चालान फिल करना पड़ेगा, और वो भी मेजर हेड वाइज माइनर हेड वाइज। ध्यान रखिएगा, एक मेजर हेड का अमाउंट दूसरे मेजर हेड में काम नहीं आता है। इनफैक्ट एक मेजर हेड में, किसी एक माइनर हेड में अगर अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया तो उसी हेड के दूसरे माइनर हेड में भी काम नहीं आता है, दूसरा हेड तो बहुत दूर की बात है, क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिचार्ज करते वक्त, डिपॉजिट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। पर हाँ, चिंता वाली बात नहीं है, अभी ध्यान देना बच्चों, अभी नवंबर 20 जिनके एग्जाम से उनके लिए अमेंडमेंट आ गया है और अभी एक फैसिलिटी दे दी इन्होंने जो अभी अप्रैल 20 से ही आई है और वो भी एंड ऑफ अप्रैल 29 अप्रैल से, और वहां बोल दिया है क्या, अगर आपने किसी मेजर हेड के किसी माइनर हेड में एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है और आपको किसी और मेजर हेड के किसी माइनर हेड में या उसी मेजर हेड के किसी और माइनर हेड में अमाउंट और डिपॉजिट करना है तो ऐसे केस में आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। पहले क्या था, आपको एक कैश लेजर से रिफंड लेना होता था और दूसरे कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक मेजर हेड या माइनर हेड से जहां एक्सेस अमाउंट है वहां से रिफंड लो और फिर दूसरे माइनर हेड या मेजर हेड में आपको डिपॉजिट करना, तो डिपॉजिट करिए। अब सर GST PMT 09 के थ्रू जिनके नवंबर एग्जाम से, उसके लिए पॉइंट आया जुलाई में एप्लीकेबल नहीं है, आप एक माइनर हेड या एक मेजर हेड से दूसरे माइनर हेड या दूसरे मेजर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आपने इस तरह से फंड ट्रांसफर किया है उसके लिए फॉर्म होगा क्या, GST PMT 09 नंबर का फॉर्म। और फंड ट्रांसफर किया तो जिस अकाउंट से आपने पैसा निकाला है वहां से तो हम मानेंगे कि रिफंड हो गया, और जिस अकाउंट में पेमेंट गया है वहां मानेंगे कि आपने वहां अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। प्लस गवर्नमेंट के लिए भी एक सेक्शन ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, जिस गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा निकल रहा है और जिस गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जा रहा है उस गवर्नमेंट को फंड अपने अकाउंट से निकाल के गवर्नमेंट, उस जिसको फंड ट्रांसफर किया एसएससी ने उसके गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे आपने CGST टैक्स में से पेमेंट निकाल के SGST या UTGST के फंड में कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अकाउंट से उतना पेमेंट निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अकाउंट में उतना अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा यार, क्योंकि एसएससी ने एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरी गवर्नमेंट डाल दिया, एंड वाइस वर्सा सेम प्रोविजन। ओके क्लियर, यह है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक और बात ध्यान रखिएगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को रिचार्ज करने के लिए जब चालान जनरेट किया होगा तब वो चालान जब जनरेट हो जाता है उसके बाद 15 डेज तक वो वैलिड रहता है, 15 डेज के अंदर अंदर कभी आप उसका पेमेंट कर सकते हो और आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है इट डज नॉट मीन कि टैक्स पे हो गया है, वो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कैश लेजर में, जब रिटर्न फाइल करेंगे तब मानेंगे टैक्स पे हुआ है। ओके सर, आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ITC। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST SGST IGST। बच्चों
आईटीसी कैसे यूज करते हैं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सर आईजीएसटी आईटीसी सबसे पहले यूज करना है आपको, आईजीएसटी आईटीसी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को यूज कर पाएंगे। अच्छा आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करने का मैकेनिज्म क्या है, आईजीएसटी के आईटीसी पहले सबसे पहले खुद की लायबिलिटी मतलब आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में से कोई भी लायबिलिटी इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी ऑर्डर आप पे कर सकते हो बाय यूजिंग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। ओके सीजीएसटी का आईटीसी अगर आपके पास है तो सीजीएसटी का आईटीसी सर पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर आईजीएसटी में काम आएगा, पर सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी में काम नहीं आता। एंड सेम इज द केस विद द एसजीएसटी, एसजीएसटी का आईटीसी अगर आपके पास है तो एसजीएसटी आईटीसी काम आएगा पहले किसके लिए, आईजीएसटी पहले किसके लिए, एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, उसके बाद अगर बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए एसजीएसटी क्रेडिट काम आएगा, क्लियर, पर सीजीएसटी में काम नहीं आएगा। और ध्यान रखना बेटा सीजीएसटी आईटीसी और एसजीएसटी आईटीसी आप तभी यूज कर पाएंगे जब आईजीएसटी का आईटीसी आपने पूरा यूज कर लिया है, क्लियर, ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हो गया। अब सर ध्यान दीजिएगा आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कभी भी रिफंड नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कभी रिफंड नहीं मिलता है, एक्सेप्ट दो केस है बेटा, एक तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में जब आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ एलयूटी बॉन्ड, और सेकंड है क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको एक्सेस आईटीसी का अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिलता है एज पर फॉर्मुला गिवन इन रेस्पेक्टिव रूल्स, क्लियर डन। सरकार ध्यान देना अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से रिफंड क्लेम करते हो तो उतना अमाउंट उस अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा और सर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सर ध्यान देना बेटा एक और बात, अगर कभी रिफंड रिजेक्ट हो गया आपका तो सर जो अकाउंट से डेबिट हुआ उसे अकाउंट वापस से वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा एक और बात जो रिफंड चैप्टर में इस बार ऐड हुआ जो यहाँ पर लिंक आ रहा है, सुनना बच्चों ध्यान से, जिनके नवंबर 20 एग्जाम से उसके लिए पॉइंट आया कि कभी भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो मान लो आपने 14 रुपी टैक्स पे किया था, 10 का क्रेडिट यूज किया था और 4 कैश पे किया था, जब आपने 14 की लायबिलिटी पे करी 10 का क्रेडिट यूज किया और 4 कैश पे किया, अब मान लो 14 किसी वजह से रिफंडेबल है तो सर जब गवर्नमेंट 14 का रिफंड देगा तो वो भी अगेन रिफंड पूरा कैश में नहीं देगा, जितना अमाउंट आपने क्रेडिट का यूज किया था उतना क्रेडिट में डालेगा और जितना अमाउंट कैश में आपने दिया था उतना गवर्नमेंट आपको कैश में रिफंड देगा। मतलब अगर 14 का रिफंड मिलता है तो 10 रुपये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट किया जाएगा और सर 4 रुपये आपको रिफंड दिया जाएगा जो आपने कैश के थ्रू पे किया। मतलब गवर्नमेंट जब रिफंड देगा तो उसी प्रपोर्शन में देगा, सर गवर्नमेंट जब रिफंड देगा तो सर रिफंड जब देगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश में पेमेंट जो करेगा तो उसी प्रोपोर्शन में करेगा जिस प्रोपोर्शन में आपने ओरिजिनल लायबिलिटी पे करी थी बेटा। सो दैट अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपको आपने लायबिलिटी पे कर दी और फिर उसका रिफंड कैश में दे दिया, गलत हो जाएगा ना बेटा यार ये, इसलिए आप एक सेक्शन यहाँ पे रूल ऐड कर दिया और बोल दिया क्या जितना अमाउंट आपने क्रेडिट को यूज करके पे किया था अगर वो अमाउंट रिफंडेबल आता है तो उतना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम क्या कर देंगे वापस अमाउंट रिक्रेडिट कर देंगे, कैश में रिफंड नहीं देंगे उसका। ओके माहौल सर ये था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के रिगार्डिंग बातें, अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मेजर हेड वाइज दिख रही होगी सर, अब ये पे करने के लिए पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो काम आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर केवल टैक्स पे करने में काम आता है, इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए काम नहीं आता है, पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रेस्पेक्टिव मेजर हेड रेस्पेक्टिव माइनर हेड वाइज आप लायबिलिटी पे कर सकते हो, क्लियर समझे मेरी बात। ध्यान रखना अगर एक मेजर हेड में अमाउंट ज्यादा है दूसरे मेजर हेड में कम है तो आप फंड ट्रांसफर करके फिर बाद में रेस्पेक्टिव फंड को यूज कर सकते हो, पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से एक मेजर हेड का अमाउंट दूसरे मेजर की दूसरे मेजर हेड या माइनर हेड की लायबिलिटी को पे करने में काम नहीं आता है। अरे क्लियर पक्का ओके सर। अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में अगर आपकी लायबिलिटी है तो सीक्वेंस ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या होता है, अगर प्रीवियस पीरियड का आपका कोई टैक्स और अदर ड्यू बाकी तो पहले वो पे करेंगे, फिर करंट पीरियड का टैक्स और अदर ड्यू बाकी तो वो पे करेंगे, उसके बाद अदर लायबिलिटीज जो सेक्शन नंबर 73 या 74 के थ्रू कोई डिमांड वगैरह आया तो वो पे करेंगे। सर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके सर जब भी लायबिलिटी आप पे करेंगे तो सर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट जो भी आपने यूज किया वो क्या हो जाएंगे, अकाउंट डेबिट हो जाएंगे सर। ओके सरकार अब लास्ट बात बचती है क्या, इंटरेस्ट। सर अगर कभी भी असेसी टैक्स पे करने में लेट हो गया तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सर। और ध्यान रखिएगा जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है, रिटर्न मतलब GSTR 3B रिटर्न, सर जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, और उसके बाद अगर उसने रिटर्न फाइल किया है उसके बाद उसने पेमेंट करके फिर रिटर्न फाइल किया तो ऐसे केस में उसको नंबर ऑफ डेज जितने होंगे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बच्चों। और ध्यान देना बच्चों अभी ध्यान से, सर अगर 14 की लायबिलिटी थी, मैं तो कह रहा हूं 14 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, आपके पास 10 लाख का क्रेडिट था और 4 लाख का कैश बैलेंस है, और आप क्या करेंगे 14 लायबिलिटी कैसे पे करेंगे, 10 लाख का क्रेडिट यूज करेंगे 4 लाख पे करेंगे, तो ध्यान देना अगर ये लायबिलिटी पे करने में आप लेट हो गए
तो सर पूरे 14 लेग पे लगेगा इंटरेस्ट, आई रिपीट पूरे 14 लेग पे इंटरेस्ट लगेगा बच्चों। ये मैटर डिस्प्यूट में चल रहा है, इस पे जजमेंट आ रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, पर अभी आपके एग्जाम्स के लिए आंसर 14 लेग पे इंटरेस्ट लगेगा 18% पर नम। पर हाँ, दो केस ऐसे है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 24% पर नम। एक तो अंड्यू या एक्सेस क्लेम ऑफ ITC के केस में 24% पर नम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकेंड अंड्यू या एक्सेस रिडक्शन इन लाइबिलिटी थ्रू क्रेडिट नोट। अगर आपने क्रेडिट नोट के थ्रू लाइबिलिटी कम कर दी ज्यादा, जो आपके मिस में चला आया, सर आपने क्रेडिट नोट पंच किया, उसने सप्लायर ने एक्सेप्ट, रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर अगेन आपने मिस में चाया, मिस में की वजह से रिवर्स के वापस से आपने क्रेडिट नोट डबल बार अगर पंच कर दिया, और उसकी वजह से अगर आपकी लाइबिलिटी आपने अंड्यू रिड्यूस कर दी, तो ऐसे केस में जब गवर्नमेंट आपसे वो अमाउंट रिकवरी करेगा तो 24% पर एनम के रेट से करेगा, क्लियर। बाकी सारे केस में कितना है, 18% पर एनम है, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, भारत माता की जय। ये चैप्टर नंबर 11 छोटा सा पॉइंट था, खत्म होता है अब। थैंक यू सो मच।